Hey guys, welcome to ABS classes powered by Sarma ji Education. So ABS classes को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है अपना यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट टू, और इस पार्ट में हम लोग जो पहले पार्ट में जितना कवर किया था उसके आगे की चीज़ें कवर करेंगे। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपके 2 मिनट का जो समय है वो जरूर लूँगा, और यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं लास्ट लैब को, जो कि है मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, 5th of December से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और टाइमिंग आप देख सकते हैं 9 बजे की टाइमिंग है सुबह, जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के लिए अरविंद कुमार मोहम्मद मुबसर, फिजिक्स के लिए सी के साथ में, केमिस्ट्री के लिए अनूप पुराली, वसुधा कोटिया, बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी गाइड, उनका जो सानिध्य है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं एनरोल का ऑप्शन आ रहा है, तो एनरोल यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 5th of December से हो रही है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहला जो 5 दिसंबर को जो आपको टेस्ट देना है वो फिजिक्स का है। 5 दिसंबर को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो टेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फॉर्मेट आपको मैं बता दूँ तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 30 क्वेश्चंस होंगे जिसमें MCQs, MSQs एंड NAT, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें रहेंगे, ताकि आप उसकी जो बेहतर तैयारी है, जिस तरीके का पेपर आता है उसी तरीके का आपके सामने जो फॉर्मेट है वो अगर देखने को मिले तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। IIT JEE का की तैयारी करने का इससे बेहतर मौका आपको और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद मुबस्सिर, वसुधा कोटिया, अनूप पराली एंड अरविंद कुमार के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी जो गाइडेंस है वो आपको यहाँ पे लगातार मिलता रहेगा। तो अपनी तैयारी और बेहतर करने के लिए यहीं पे एनरोल पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप एनरोल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा जाएगा एनरोल्ड, ओके, तो एनरोल जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में अगर आप अनअकैडमी पर नए हैं तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ IIT JEE, तो IIT JEE गोल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करेंगे और ज्वाइन करेंगे लास्ट लैब मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट, ओके, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक पर जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट टू, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है इनकी क्या क्या यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। और फिर हम उसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे हल्के से सामान्यता, और उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन पर, ओके। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट एंड उनके सिंबल की, ठीक है। तो यूनिट एंड सिंबल्स हम देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी यहां पर आ जाएगी उसकी यूनिट, और यूनिट के साथ ही उसका यहां पर हम लिख देंगे सिंबल। तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है लेंथ, ओके। लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम। तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर, एंड इसका जो सिंबल है वो क्या है, एम। इसी के साथ दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है मास, मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और इसकी जो सिंबल है इसका किलोग्राम का वो है kg। इसके साथ ही तीसरी जो यूनिट आती है फंडामेंटल यूनिट वो है टाइम, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड, और इसका जो सिंबल है वो है s, ओके। फोर्थ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी में जो आता है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो मैं यहाँ पर सीधे टेम्परेचर ही लिख देता हूँ, और टेम्परेचर जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है के। नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए। इसी के साथ सिक्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आती है हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की मात्रा जिसका जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, एंड इसको हम इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम ओ एल। सेवंथ जो आती है वो आती है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है सीडी। तो ये सात फंडामेंटल यूनिट है, उनकी यूनिट के साथ ही सिंबल, तो इनका हम यूज करते हैं बेसिकली क्या करने में, डेराइव करने में। इसी के साथ में दो सप्लीमेंट्री यूनिट है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। ये सात फंडामेंटल यूनिट्स आप याद रखेंगे, आपके काम ये जरूर आएंगे, और इसी के साथ में दो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सप्लीमेंट्री यूनिट एक है हमारी प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है रेडियन, आर ए डी, ठीक है, रेडियन। उसी के साथ में जो दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल भी एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको हम लिखते हैं एस आर, ओके। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एस आर होता है। तो ये सेवन फंडामेंटल यूनिट हो गई, दो सप्लीमेंट्री यूनिट हो गई। इसके अलावा कुछ डेराइव्ड यूनिट है जो कि इन्हीं की हेल्प से बनाई जाती है, उनको भी हम देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा कुछ हमारी डेराइव्ड यूनिट होती है, उन डेराइव्ड यूनिट पर भी हम फोकस करते हैं, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट जो है वो डेराइव्ड जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो डेराइव्ड क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी उन्हीं से लिया गया। डेराइव्ड यूनिट जो होती है उन्हीं की यूनिट जो उनको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, उसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन में आपको तीन चार कुछ डेराइव्ड यूनिट लेकर आपको डेराइव करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम डेराइव कर सकते हैं और उनकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक इनटू फंडामेंटल यूनिट ओके, ब्रेक इनटू फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से इसको बनाया जाता है, यानी कि हम इसको फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और उनके साथ उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता है क्या वेलोसिटी हम लेकर चलते हैं, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है पर यूनिट टाइम जितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। ये फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज में हमने इसको ब्रेक कर दिया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ है एक तरीके की, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। और टाइम की यूनिट मैंने क्या बताई थी, सेकेंड। तो ये ब्रेक कर दिया मैंने फंडामेंटल यूनिट में, मीटर एंड सेकेंड दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो यहां से हमें डेराइव्ड यूनिट मिल गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक डेराइव्ड यूनिट है। इसी के साथ में एक्सेलरेशन देखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम इन दोनों का क्या है, रेशियो है। तो वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने जस्ट निकाली मीटर पर सेकेंड, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे टाइम है तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है।
तो ये कितना मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी आ गई, एक्सीलरेशन की यूनिट आ गई। इसके अलावा तीसरा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फोर्स, ठीक है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, और फोर्स पुश एंड पुल दो नेचर का हो सकता है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि सिलेबस में इसको भी मेंशन कर रखा है। तो यहां पर फोर्स जो है उसकी अगर हम क्वांटिटी उसकी यूनिट की बात करें, क्योंकि डेराइव्ड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो, मास के लिए जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। इसी के साथ में एक्सेलरेशन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो जस्ट मैंने अभी निकाली है, वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट हो गई डेराइव्ड यूनिट वो कितनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपने फोर्स की भी यूनिट निकाल ली, आपने एक्सेलरेशन की भी यूनिट निकाल ली, आपने वेलोसिटी की भी निकाल ली। इसी तरीके से आप कोई भी यूनिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं अगर प्रेशर की यूनिट भी निकालूं, आप यहां से प्रेशर की यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर लिख लीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर एरिया है, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर से मीटर मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो मेरे को निकालना था उसकी डेफिनेशन अगर मुझे पता है, उसका फॉर्मूला अगर मुझे फाइंड पता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसकी यूनिट फाइंड कर सकता हूँ, डेराइव्ड यूनिट निकाल सकता हूँ। फंडामेंटल यूनिट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसी के साथ में ये आप नोट कर लीजिए, डेराइव्ड यूनिट आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पे देखते हैं ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन पे हम फटाफट से आते हैं। तो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन भी हम यहीं पे समझ लेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है, डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे। तो डायमेंशन किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें लेंथ का भाग कितना है, उसमें मास का भाग कितना है, उसमें टाइम का भाग कितना है, उसको बताने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी जो डायमेंशन होती है वो मास, लेंथ एंड टाइम की पार्ट को बताती है, उसके भाग को बताती है। तो डायमेंशन अगर हमें निकालनी है तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, तो एम L T A K, तो यहां पर A K जो है वो मेन नहीं है, मेन आपका क्या है, M मास, लेंथ एंड टाइम, तीन फिजिकल क्वांटिटीज को यहां पे लिखा जाता है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास की पावर X, L की पावर Y एंड टाइम की पावर Z, इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में इसको इस तरीके से बंद करके लिख दिया जाता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर में आपका क्या आ रहा है, लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर किलोग्राम तो नहीं है, तो किलोग्राम यानी कि एम के लिए हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। उसी के साथ में लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ की पावर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और टाइम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पे देखिए वन है, तो ये ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम जीरो एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन अगर हमें लिखनी है तो यहाँ पर किलोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे एम की पावर जीरो हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में यहाँ पे एल की पावर वन, और टाइम यहाँ पे टी टू दी पावर माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है अपॉन में, तो t टू दी पावर माइनस टू, तो इसकी यूनिट हो जाएगी m0 l t माइनस टू, ठीक है, एक्सेलरेशन। इसी के साथ में फोर्स को अगर देखें तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन भी बोलते हैं इसको। तो इसकी डायमेंशन अगर हमें नोट करनी है तो किलोग्राम को हम m लिखेंगे, और m की पावर 1 आ गया। लेंथ के लिए m आता है मीटर, तो लेंथ 1 है इसकी पावर, तो 1 आ गया यहाँ पे, और सेकंड की पावर 2 है अपॉन में, तो t की पावर माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू। एंड प्रेशर को अगर हम देखें तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और इसकी यूनिट निकल के आई थी किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर।
तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन मिलेगी मीटर किलोग्राम यहाँ पे है तो m की पावर 1, मीटर यहाँ पर है तो लेंथ, लेंथ की पावर माइनस 1 क्योंकि ये अपॉन में है, इसकी पावर 1 है, और टाइम जो है वो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करिए, और ब्रेक करने के बाद उसकी यूनिट लिखिए, और देन उसको फंडामेंटल उसकी डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि आपको किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले लेक्चर में उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता सकूं। और अगला लेक्चर जो है वो इसी के आगे हम कवर करेंगे मेजरमेंट पर, ठीक है, पूरा लेक्चर मेजरमेंट पर रहेगा। तो ये सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, और यहाँ से काफी क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं, आपको यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।